क्या मैंने कहा अगर तुम इस बार उठ गए मेरे दोबारा नहीं तुमको लेके आना अपने पंजाबी ट्रकर कपल दी नवी वीडियोस ले सब्सक्राइब करो ते बेल आइकन दबाना ना भूलो। तो नहा धो के आ गए हम, धूप निकली हुई है बड़ी अच्छी और ये पंप पे सभी तेल डलवा रहे हैं, पूरा भरा पड़ा है आज। तो वेटरन था वो, अच्छा मुझे ट्रक की आवाज में थोड़ा ध्यान से सुनाई नहीं दिया। तो अभी हम रुके हैं एफिंगम में जो कि इलिनॉय में है, यहाँ पर हमारी हमेशा हम बुक चेंज करते हैं और पाल जी की बुक खत्म हो गई थी तो इसलिए अभी हम नहा धो के आए हैं। तो मेरी बुक स्टार्ट होगी, मैं अपनी बुक में फिर वॉलमार्ट लेके जाऊंगी और वहां से हम करेंगे ग्रोसरी, क्योंकि कनाडा से चीजें लेके आना इज लाइक इधर से चढ़ना है। ओहो मैं भूल जाती हूँ। तो ये तो आपने वीडियो देख ही ली होगी जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था। तो पीटरबिल्ट का यही पंगा होता है कि जल्दी इसके पार्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि अगर आप रोड पे भी देखो ना ज्यादातर फ्रेटलाइनर कैस्केडिया जो है वहीं आपको दिखता है। तो ये इसका पंगा होता है क्योंकि हमारा एक फ्रेंड है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसका कुछ टूट गया था और उसको एक महीना लग गया उसके पार्ट्स नहीं आए पीटरबिल्ट के। और वैसे भी पीटरबिल्ट जो है ना इजीली अवेलेबल क्यों नहीं, क्योंकि ये ट्रक वही लेते हैं जो ज्यादातर ओनर ऑपरेटर्स है, कंपनी बहुत कम रखती है, उनके पास ज्यादातर होता है या कैस्केडिया होता है या वॉल्वो होता है बड़ी कंपनीज के पास। तो ये चक्कर है, अभी देखते हैं क्या बनता है, कब इसके पार्ट्स आते हैं और कब ये दोबारा से इधर से चढ़ने वाला होता है, नहीं तो हम हमेशा उधर ही जाते हैं पैसेंजर साइड। और थोड़ा सा यहाँ से भी डैमेज हो गया, अभी पता चल रहा है ना पाल जी? हाँ जी अब चल रहा है पता, थोड़ा सा यहाँ से भी डैमेज और जे टेंट। तो ये आप देख सकते हैं हमने बंजीज से इसको बांध लिया है, वैसे ये देखो यहाँ से सारा टूट गया है तो ये भी पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से लेके वहां तक पूरा पार्ट नया आएगा, ये हम नया डालेंगे। बट अंटिल देन हमने इसको थोड़ा सा सिक्योर कर लिया है, तो अच्छा सा टूटा नहीं है बट स्टिल कहीं गिर ना जाए इसलिए। तो शिफ्ट शुरू करने से पहले टायर चेक कर ले, बढ़िया अच्छा है ना जी, व्हाइट टॉप के साथ रेड रेड इयररिंग जी जी जी। चलो अभी चले वॉलमार्ट पहले। तो आप भी सोच रहे होंगे कि अभी मैं क्यों नहीं आ रहा बीच में, क्योंकि काफी कमेंट्स आते हैं कि पूजा ड्राइव नहीं करती, लोगों को लगता है कि पूजा ड्राइव नहीं करती, पूजा बस मेरे साथ जाती है। और ज्यादातर हाँ ये भी बात है कि ज्यादातर जो वीडियोस हैं उसमें मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ, तो इसलिए हमने सोचा कि अभी बस पूजा की ही ड्राइविंग की वीडियोस होंगी, तो मैं शिरकत नहीं करूँगा वीडियोस में, जो मेरी होगी वो फिर मेरी ही होगी अकेले की। हाँ जब हम इकट्ठे घूमने जाया करेंगे फिर हम इकट्ठे आएंगे वीडियो में, लेकिन अभी ये सिर्फ पूजा की वीडियो है। पहले रीजन तो बता दो कि क्यों आपकी वीडियो क्यों आती थी पहले, मेरी क्यों नहीं इतनी आती। आई नो व्हाट यू वांट टू से, व्हाट आई वांट टू से आई नो, यू टेल, बताओ सबको, यू टेल, क्योंकि फोन पकड़ के सिर्फ मैं वीडियो बना सकती हूँ, पाल जी नहीं बनाते। मैं तो हैरान हूँ आज पाल जी ने बोला हाँ मेरे को कैमरा दो मैं वीडियो बनाता हूँ, हाउ कम। अगर वीडियो से मैं बना रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं ड्राइवर सीट पे बैठ के तो बनाऊंगी नहीं, पैसेंजर सीट पे बैठ के बनाऊंगी, तो इसलिए पाल की ही वीडियो होती है। तो कैमरा लगा लो, कैमरा लेके दिया तो है आपको, आपके पास अगर मैं हूँ वीडियो बनाने के लिए तो मैं कैमरा क्यों रखूँ। फिर भी यार मैंने सोना होता है, मैंने जिम जाना होता है, मैंने भी एडिटिंग करनी होती है। ठीक है अभी हम यहाँ पे लड़ रहे हैं, ठीक है चलो फिर चले चलो।
काफी धूप निकली है ना पाल जी। हाँ जी, क्योंकि अच्छा हुआ है, नहीं तो सुबह ना पहले जब मैं चला रहा था तब तो माइनस में था टेम्परेचर, माइनस तीन था। हाँ हाँ, क्यों नहीं मार सकते। मैं इधर से कभी गई नहीं लेफ्ट, मेरे को इसलिए लग रहा था। अच्छा, तो तुम्हारे ख्याल से क्या लेफ्ट जाने का रोड ही नहीं होगा यहाँ पे? नहीं नहीं होगा तो। और जो पिछली बार हम पैदल जाने लगे थे वो था क्रैकर बैरल वो उधर, और हम घूम रहे थे यार, हम यहाँ से निकल के गए पाल जी, और हमें सामने बोर्ड ही नहीं दिखाई दिया। वही पहले मुझे लगा हमें पता ही चला कि यहाँ पे क्रैकर बैरल है, वहाँ पे जाके पता चला कि यहाँ पे है, और हम घूम रहे थे ओ दूसरी साइड दूसरा बोर्ड देखा था। मैं आपको बता रही थी ना कि यहाँ पे इन्होंने ट्रक टर्न अराउंड रूट बनाया है, वो वहीं पर है। ओके, जहाँ से हमने टर्न ले ली है ना वॉलमार्ट के लिए। आज पार्किंग मिल जाए हमें वहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती। एक तो पार्किंग थोड़ी टाइट है, जो ट्रकों की खुद की पार्किंग है, और जो वैसे खड़े कर लेते हैं वो अभी तक गए नहीं होते, मतलब उनकी बुक नहीं स्टार्ट हुई होती। दोनों बार ऐसे ही हुआ। वो नेक्स्ट फ्लाइट से मुड़ रहा है एवेन्यू ऑफ ओ, पिछली बार पाल जी हमने गलती कर दी, यहाँ देखा था वो, देखो यहाँ देखा था ऊपर। हाँ। देखो क्या लिखा है, एवेन्यू ऑफ मिड अमेरिका, ये सड़क का नाम है एवेन्यू ऑफ मिड अमेरिका, मतलब इस रोड पे है वो, इस प्लाजे में नहीं है। ओके, वो चीज हमने पढ़ी नहीं। ओ ठीक है, मुझे हमें तो यही लग रहा था ना कि इस प्लाजे में ही है सारा कुछ। हाँ, अभी यार ऊपर बंदा देखे भी तो इतना बड़ा नाम मुझे लगा नहीं था कि रोड का भी होगा, मुझे लगा कि शायद इस प्लाजे का नाम होगा। आज फिर पाल जी क्या खाएंगे वॉलमार्ट से, जो आप खिला दें देवी जी मैं तो कुछ भी नहीं खिलाऊंगी आपको वॉलमार्ट से, व्हाई नॉट, क्योंकि आपने अपना चिकन नहीं खाया जो मैंने बना के रखा था आपके लिए। मुझे ना रात को नींद बहुत आ रही थी मेरा, इसलिए दिल नहीं किया। अच्छा, दिल नहीं किया इसलिए वो मैगडी खा लिया? नहीं, मैगडी से खाया तो हेल्थी है ना, कि अंडे और सोसेज खाया है। बट जो चिकन बना पड़ा था आपके पास, आपको बाहर भी नहीं निकलना पड़ता जिसके लिए इतनी ठंड में, वो नहीं खाया? इतने कपड़े डाल के मैगडी गए, फिर लेके आए, फिर खाया? नहीं, मैंने वैसे भी वॉशरूम जाना था ना। ओ अच्छा, यार इधर से तो काफी दूर से इन्होंने है ना टर्न बनाया ट्रक के लिए, वहाँ से पास में लग रहा था, लेकिन इधर से पीछे से मतलब घूम के जा रहे हैं। पर इधर छोटा पंप, शुगर है, खाली है, एक ही ट्रक खड़ा है। ओ हाँ, इसके पीछे लगाते हैं, एक ही खड़ा है, पार्किंग में नहीं लगाना। हाँ, पार्किंग में इजी है, पार्किंग में भी एक ही खड़ा है वैसे तो। एक नहीं, नहीं है, वो है, 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 है। हम उसके पीछे लगा देंगे। हाँ, क्योंकि फिर ना जब आसपास खड़े हो जाते हैं ना तो निकालना फिर मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे खड़ा करते हैं। अगर ये लड़की से आनी है, आई लाइक इट, यहाँ पे खड़ा करते हैं। आपने बताया नहीं क्यों कहा आपने वो लड़की से आनी है? क्योंकि उसको पता था ट्रक मुड़ रहा है, तो जहाँ पे है वहीं पे रहे। हाँ, तो कई होते हैं जो ठीक है यहीं पे, यहीं पे थोड़ा सा ऐसे इधर करके ना। हाँ, पीछे कर देती हूँ बैग। तो ये कर ली हमने ग्रोसरी, हम क्या लेके आए हैं, लेटस, फ्रूट्स, पाल जी के लिए चिकन, और ये है फ्राइज, नॉट फ्राइज, अनियन रिंग्स, अनियन रिंग्स, एग्स एंड सावर क्रीम। वो कहाँ गया पाल? क्या
खाने वाली चीज़। ड्राई दिया था मैं क्या? ओ हैलापिनो पॉपर्स। और अगर आप ना यूएस के वॉलमार्ट में आपको आने का चांस मिलता है, ये वाला बटर जरूर ट्राई करना। ये आई थिंक $2-2.5 की तरह का बार आता है। ये हर्ब्स एंड गार्लिक है इसमें, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और हम जे लेके आए हैं गर्दन के लिए। ओ चिकन उठाओ। गर्दन के लिए जे लेके आए हैं, देखते हैं कैसा रहता है, कि कुछ आराम देता भी है, रिलीफ देता भी है या नहीं। और ये नए स्टिकर लाए हैं, देखते हैं इनके, इन्हें लगा के कहीं जे भी ना उठ जाए हैं। देखते हैं कि इस बार ये स्टिकर्स उड़ते हैं कि नहीं। वैसे तो वो कह रही थी कि विनल वाले स्टिकर्स आएंगे, बट लेट्स सी क्या बनता है। पिछली बार तो ये हाईवे चढ़ते सार ही उड़ गए थे, और आज देखते हैं, क्योंकि तो जैसे स्पीड पकड़ी मैंने 30-40 की उड़ गए थे। मैंने पाल जी बोल दिया ये वाले सेंटे को, क्या मैंने कहा अगर तुम इस बार उड़ गए मैंने दोबारा नहीं तुमको लेके आना अपने घर। ये भी अच्छा शहर है ना बाल। हाँ मुझे अच्छा लगता है। काफी चीजें हैं इस शहर में, लाइक जॉब वाइज भी अगर देखें जी तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है ये लोगों के लिए। ये बोल रही थी मैं पाल जी, ट्रक पार्किंग के पीछे ही है यहाँ पे वो लेके आएंगे। ये ट्राई करेंगे किस दिन, अगर बिना शुगर वाली या रियल फ्रूट्स वाला देना है कुछ। हाँ। ये ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो हम 57 साउथ 70 वेस्ट हाईवे जा रहे हैं माउंट वर्नर की साइड। अभी हम इलिनॉय में हैं और इसके बाद आएगी मिजूरी स्टेट। यहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हुआ था मिजूरी स्टेट में। हाँ। वो आएगी। तो अभी आप भी सोच रहे होंगे कि ये मतलब रहते तो कनाडा में है, मतलब कनाडा से ट्रक चलाना शुरू करते हैं, वहीं से काम शुरू करते हैं, ग्रोसरी सारी अमेरिका में आके करते हैं, ऐसा क्यों? तो पहले भी हमें कमेंट्स आए थे इस चीज के बारे में, और जैसे मैंने वो नींबू वाली वीडियो डाली थी शॉर्ट्स, तो उसमें भी काफी कमेंट्स आए थे कि आप नींबू क्यों नहीं लेके जा सकते, ऐसे जूस निकाल के क्यों लेके जा रहे हो। तो उसका रीजन मैं बता दूं, तो इसका रीजन ये है कि जो अमेरिका का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ना, तो वो कहता है जरूरी नहीं कि सिर्फ अगर लैंड बॉर्डर से क्रॉस करो, अगर आप जहाज पे भी आते हो ना तो वो आपसे पूछते हैं इफ यू हैव एनीथिंग टू डिक्लेयर, है ना। तो आपके बैग में अगर आपको कोई फ्रूट्स जैसी चीज दिखे, ऐसा कुछ दिखे, तो वो बोल सकते हैं। तो रीजन ये है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ना, उसमें कोई अनसीन कोई पेस्टिसाइड्स या कोई जर्म्स वगैरह कह सकते हो आप, हो अगर तो इनकी फसलें खराब कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, बट अगर कोई उसको टेलीस्कोप में छोटे वाले में देखे तो उसमें वो बहुत सारे जर्म्स हैं, या कोई ऐसी बीमारी है जो किसी और कंट्री में है उनको इतना फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वो यूएस में आ गई एक बारी तो फिर वो उनकी फसलें खराब कर सकती है। और यूएस तो कैलिफोर्निया का स्पेशली आपको पता ही होगा, सारा काम ही खेती का है वहाँ पे, ड्राई फ्रूट्स, ऑरेंजेस, इवन जो सिट्रस वाली चीजें है ना, ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, मौसमी, ऐसी चीजों तो बिल्कुल भी नहीं आने देते, क्योंकि ये चीजों की इनकी खेती बहुत ज्यादा है। तो जब हम यूएस में एंटर होते हैं तब तो वो पूछते ही हैं, बट जब हम कैलिफोर्निया में एंटर होते हैं ना, तो वो अकेली ऐसी स्टेट है जिन्होंने अपनी पोर्ट ऑफ एंट्री पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिठाया हुआ है, तो वो पूछते हैं कि आप क्या लेके जा रहे हो ना, लोड का तो चलो वो पूछते ही हैं। अगर जैसे बॉर्डर पे लेट्स से ऑफिसर ने पूछा कि आपके पास क्या है, उनको हमने एक दो चीज नहीं बताई और उन्होंने निकाल लिया हमें बाहर लेट्स से इंस्पेक्शन के लिए, फिर वो हमें फाइन डाल सकते हैं उस चीज का। ये गाड़ी खड़ी है तो यहाँ पे ऐसे लेन चेंज करनी होती है, तो ये जो वाइट गाड़ी है उसने मेरे को जगह नहीं दी, तो इसलिए मेरे को स्लो करके इसके पीछे आना पड़ा, जबकि इसके पास इनफ जगह थी मेरे को जगह दे सकता था। जैसे इसने सिग्नल देखा भगा ली गाड़ी, तो ये बहुत होता है।
तो चलो बैक टू जो हम बात कर रहे थे, एक बंदे को $350 का फाइन पड़ा था इस चीज का, क्योंकि उसने कोई चीज डिक्लेयर नहीं की थी। पहले क्या होता था, नींबू वगैरह तो शुरू से ही नहीं, जब से मैं चलाने लगी हूँ स्पेशली नींबू वगैरह तो वो शुरू से ही नहीं लेके आने देते, बट बाद में फिर उन्होंने चिकन बंद कर दिया, फिर हमने चिकन इधर से लेना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या हुआ, इन्होंने एग्स भी बंद कर दिए थोड़े टाइम बाद। एग्स में पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो कह रहे थे कि अभी ही नहीं आप कैनेडा से लेके जा सकते, पहले था। तो फिर ऑफिसर्स ने सभी को बोलना शुरू कर दिया था, उसके बाद से फिर हम एग्स भी यहीं से लेते हैं। तो फिर इसलिए हमें होता है कि जो हमने एक दिन घर जाना है उसमें फिर हम ग्रोसरी करने में टाइम क्यों वेस्ट करें, जब हमें लेनी सारी चीजें इधर से है ना, क्योंकि पाल जी एग खाते हैं, चिकन खाते हैं और नींबू पानी पीना होता है पाल ने सुबह उठ के। तो फिर जब ज्यादातर चीजें ही यहाँ से लेनी है तो फिर हम सारी ग्रोसरी यहीं से कर लेते हैं। और स्ट्रॉबेरी स्पेशली मुझे